हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री में है सम एंड डिफरेंस फार्मूला। कोई भी दो एंगल्स हैं उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे होता है, कोई भी दो एंगल्स हैं उनका सम है उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालते हैं, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे फर्स्ट हमारा आज का फार्मूला है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्योंकि हमारे कोर्स में विदाउट प्रूफ है इसलिए मैं प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, आप इनको याद कर लीजिएगा कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब वापस इसी को माइनस में देखिए, केवल प्लस और माइनस का अंतर है, यहाँ प्लस है साइन ए प्लस बी वाले में, यहाँ माइनस है। ठीक है, अगला फार्मूला है हमारा योग सूत्र के लिए कोस ए प्लस बी। तो कोस ए प्लस बी बराबर कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, इसी का ही वेवकलन सूत्र डिफरेंस फार्मूला क्या है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, यानी साइन चेंज करना है केवल प्लस माइनस के लिए। तो टेन ए प्लस बी इक्वल टू होता है टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी। तो टेन ए माइनस बी क्या होगा, टेन ए माइनस टेन बी, वन प्लस टेन ए टेन बी। तो यही साइन चेंज है केवल। तो प्लस माइनस में आप अंतर समझ गए, एक प्लस वाले फार्मूले अगर आपको याद हो जाएंगे तो माइनस वाले या वेवकलन सूत्र आराम से आपको याद हो जाएंगे। तो प्लस वाले आपको याद करने हैं, फर्स्ट फार्मूला साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, सेकंड फार्मूला कोस ए प्लस बी बराबर कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और थर्ड फार्मूला टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, आप इनको एक बार याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट स्लाइड, आपने अभी पढ़ा था टेन ए प्लस टेन बी बराबर क्या है, टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी। अगर बी बराबर 4500 हो तो टेन ए प्लस टेन बी का मैंने फार्मूला यहाँ यूज़ में किया है, टेन ए टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी, वो फार्मूला मैंने काम में लिया है। तो टेन 4500 प्लस ए बराबर टेन 4500 प्लस टेन ए वन माइनस टेन 4500 टेन ए। टेन 4500 की वैल्यू क्या होती है, टेन 4500 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वन। टेन 4500 की वैल्यू क्या होती है वन, टेन 4500 की वैल्यू है वन। तो वन प्लस टेन ए वन माइनस टेन ए, टेन 4500 की वैल्यू मैंने वन रख दी, वन प्लस टेन ए वन माइनस, यहाँ टेन 4500 इसकी वैल्यू भी क्या है वन, तो वन प्लस टेन ए वन माइनस टेन ए। तो इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए आप, टेन 4500 प्लस ए बराबर वन प्लस टेन ए वन माइनस टेन ए। ठीक है, तो टेन 45 प्लस ए इक्वल टू वन प्लस टेन ए वन माइनस टेन ए, डायरेक्ट याद कर लीजिए। इसी तरह टेन 45 माइनस ए, तो मैंने यहाँ फार्मूला काम ले लिया टेन ए माइनस बी वाला, तो टेन ए माइनस टेन बी वन प्लस टेन ए टेन बी, अभी मैं पढ़ा चुका हूँ वही फार्मूले काम ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं टेन 45 की वैल्यू रख देता हूँ वन, तो ये हो गया वन माइनस टेन ए वन प्लस टेन 45 की वैल्यू इसकी क्या होगी वन, तो वन प्लस टेन ए। तो ये भी डायरेक्ट याद कर लीजिए, टेन 45 माइनस ए बराबर हो गया वन माइनस टेन ए वन प्लस टेन ए। तो आप इन दोनों को डायरेक्ट याद कर लीजिए कि टेन 45 प्लस ए बराबर क्या हो गया वन प्लस टेन ए वन माइनस टेन ए, और टेन 45 माइनस ए क्या हो गया वन माइनस टेन ए अपॉन वन प्लस टेन ए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, आपको वर्ग संबंध में पढ़ा चुका हूँ साइनस का थीटा प्लस कोस का थीटा बराबर वन। तो यहाँ से साइनस का थीटा बराबर क्या हो गया वन माइनस कोस का थीटा, कोस का थीटा इधर प्लस में इधर जाके माइनस, तो साइन थीटा बराबर अंडरूट वन माइनस कोस का थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो गया, दोनों तरफ वर्ग मूल ले लिया, इसमें दोनों तरफ वर्ग मूल लिया, तो साइन थीटा बराबर अंडरूट वन माइनस कोस का थीटा। तो याद रखना कि कोस थीटा का मान दे रखा हो और साइन थीटा का मान निकालना हो, वापस सुन लो, कोस थीटा का मान दे रखा हो साइन थीटा का मान निकालना हो, तो ये फार्मूला काम में लेते हैं, साइन थीटा बराबर अंडरूट वन माइनस कोस का थीटा। उसी तरह वापस पुनः इसको एक नंबर को देखो, अगर यहाँ साइनस का थीटा प्लस में इधर आके माइनस में, तो कोस का थीटा बराबर वन माइनस साइनस का थीटा, तो कोस थीटा बराबर अंडरूट वन माइनस साइनस का थीटा। दोनों तरफ वर्गमूल करके कोस थीटा निकाल लिया, तो कोस थीटा बराबर अंडरूट वन माइनस साइनस का थीटा। तो टू और थर्ड याद रखना, टू कब काम में आता है, जब कोस थीटा की वैल्यू दे रखी हो और साइन थीटा निकालने हो, और थर्ड कब काम में आता है, थर्ड जब काम में आता है जब साइन थीटा की वैल्यू दे रखी हो और आपको क्या निकालना हो कोस थीटा निकालना हो। और एक आपको मालूम है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा आपस में इस तरीके से संबंधित है, एक की वैल्यू मालूम है तो दूसरे की निकालने के लिए ये फार्मूले काम में लेने हैं। ठीक है।
अभी कुछ रिलेशन है कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी करें तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। ध्यान रखना इधर साइन साइन कब आता है, आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, साइन साइन इधर कब आ रहा है, जब समान ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो। समान कैसे, देखो यहाँ भी साइन साइन है तब ये आएगा, या कोस कोस हो तब ये आएगा। तो ये एक ही फार्मूला है कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। साइन के रूप में भी फार्मूला हो सकता है और कोस के रूप में भी फार्मूला हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना ये दोनों समान है, या तो साइन साइन रहेंगे या कोस कोस रहेंगे। जब साइन दोनों सेम होते हैं तब इधर साइन आता है LHS में, और ये दोनों अलग अलग होते हैं, एक साइन और एक कोस हो तो यहाँ कोस आएगा, यहाँ क्या आएगा कोस, वो अगले फार्मूले में बता दूंगा। तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी बराबर कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। तो मैंने LHS ले लिया साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। अब साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, आप पढ़ चुके हो। साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब मैंने साइन ए कोस बी को अल्फा मान लिया और इसको बीटा, तो ये फार्मूला क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, और बीटा स्क्वायर क्या हो गया, कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब मैंने इस कोस स्क्वायर बी को साइन की फॉर्म में लिख दिया, तो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी को क्या लिख दिया मैंने, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और इस कोस स्क्वायर ए को मैंने साइन की फॉर्म में लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देख लो साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई हुआ, फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, फिर माइनस साइन स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई किया और माइनस माइनस प्लस, तो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी और माइनस का साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी कैंसिल, रह गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये हो गया पहला फार्मूला, यानी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब देखो साइन ए स्क्वायर ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। सोल्व किया तो मेरे पास आ गया कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए, यानी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी भी लिख सकते हैं और कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट फार्मूला, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। देख लो यहाँ दोनों सेम नहीं है और कोस पहले है, जब दोनों सेम नहीं होते हैं तो इधर कोस आता है, और जब दोनों सेम होते हैं तो इधर क्या आएगा, साइन। बता चुका हूँ ना, अब सीख लीजिए। LHS ले लिया कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी। तो कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, मैंने फार्मूला लगा दिया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन, और कोस ए माइनस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। दोनों के फार्मूले यूज़ में ले लिए। अब वही अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी को मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और साइन स्क्वायर ए को लिख दिया मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। दोनों को सोल्व किया तो मेरे पास आ गया कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब चौथी है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। मैंने कोस स्क्वायर ए को क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर बी को क्या लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। सोल्व किया तो मेरे पास आ गया कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी दोनों डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए कोस आता है और सेम के लिए क्या आता है, इधर साइन आता है। ठीक है ना, तो कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी बराबर या तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिख लो, या उसको लिख दो कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, दोनों एक ही चीज है। अब अपना पहला क्वेश्चन आया, साइन अल्फा बराबर 4/5 तथा कोस बीटा बराबर 12/13, तो कोस अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको मालूम है कोस अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखो कोस अल्फा माइनस बीटा होता है कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा।
यानी मेरे को किस किस की वैल्यू चाहिए, एक तो कोस अल्फा की, एक कोस बीटा की, एक साइन अल्फा की, एक साइन बीटा की। तो अपने को मालूम है साइन अल्फा, तो साइन अल्फा बराबर है 4/π। तो मैंने साइन अल्फा से निकाल लिया कोस अल्फा, क्या निकाल लिया कोस अल्फा। कोस अल्फा बराबर अंडरूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब 4/5 का स्क्वायर, यानी 1 - 16/25 यानी अंडरूट 9/25 और 9 का वर्गमूल 3, 25 का 5 यानी 3/5। तो कोस अल्फा बराबर आ गया 3/5। इसी तरह मेरे को दे रखा है कोस बीटा, तो कोस बीटा से मैंने निकाल लिया साइन बीटा। साइन बीटा बराबर क्या हो गया, अंडरूट 1 - कोस स्क्वायर बीटा, 1 - 12/13 का स्क्वायर, 1 - 144/169 यानी अंडरूट 25/169 यानी 5/13। ठीक है, तो कोस अल्फा साइन बीटा निकल गए, यानी मेरे को साइन अल्फा कोस बीटा साइन बीटा चारों वैल्यू मिल चुकी है। मैंने इस फार्मूले में चारों वैल्यू पुट कर दी, चारों के मान रख दिए, कोस अल्फा का रख दिया, कोस बीटा का रख दिया, साइन अल्फा और साइन बीटा चारों वैल्यू रख दी। सोल्व किया तो मेरे पास आ गया 56/65 56/65। ठीक है, ईजी क्वेश्चन था ये, केवल आपको कोस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला निकालना है और वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। यदि साइन अल्फा बराबर 1/√5 तथा कोस बीटा बराबर 3/√10 तो प्रदर्शित कीजिए a + b = 45। मैं a प्लस बी क्या साइन a प्लस बी लूँगा, क्या लूँगा साइन a प्लस बी। तो साइन a प्लस बी के लिए साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन b, मेरे को साइन a कोस b कोस a साइन b की वैल्यू चाहिए। ठीक है, यहाँ साइन a बराबर क्या है 1/√5 और कोस b क्या है 3/√10। तो साइन a की वैल्यू से मैंने कोस a निकाल लिया और कोस b की वैल्यू से मैंने साइन b निकाल लिया। साइन ए बराबर 1/√5 है तो कोस ए बराबर क्या हो गया 1 - sin² अनरूट, तो अनरूट 1 - 1/5 यानी 2/√5। इसी तरह साइन बी बराबर अनरूट 1 - cos² b, कोस बी की वैल्यू है 3/√10, कोस स्क्वायर बी हो गया 9/10, तो अनरूट 1 - 9/10 यानी 1/√10। ये चारों वैल्यू मैंने साइन ए प्लस बी के फार्मूले में पुट कर दी, चारों वैल्यू पुट की, सोल्व किया तो मेरे पास आ गया 1/√2, यानी साइन ए प्लस बी बराबर क्या आ गया 1/√2 और साइन ए प्लस बी बराबर 1/√2। अब साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो इसका मतलब ए प्लस बी किसकी वैल्यू है 45, ए प्लस बी किसके बराबर है 45। क्यों, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और यहाँ साइन ए प्लस बी बराबर है 1/√2, तो ए प्लस बी किसके बराबर हो गया 1/√2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मान ज्ञात करना है साइन 62° साइन 70° प्लस कोस 62° कोस 70°। मैंने 62 को मान लिया ए और 17 को मान लिया बी, तो साइन ये क्या बन गया साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी। 62 बराबर तो ए, 17 बराबर बी है। अब साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी किसका फार्मूला है, कोस ए माइनस बी का, कोस ए माइनस बी, तो कोस ए माइनस बी लिख दिया। अब ए की वैल्यू क्या है 62, बी की क्या है 17, तो कोस 62 - 17, 62 - 17 मतलब 45, कोस 45 और कोस 45 की वैल्यू क्या होगी 1/√2। टेबल से आपको मालूम है 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन 75 प्लस कोट 75 दिया गया व्यंजक है, टेन 75 प्लस कोट 75, कोट 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/10 75। क्यों, क्योंकि कोट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा, तो कोट 75 क्या हो गया 1/10 75। अब टेन 75 को मैं ऐसे लिख दिया 45 + 30, तो टेन 45 + 30। अब आपको मालूम है टेन 45 + a क्या है 1 + 10 a, 1 - 10 a, यहाँ a की वैल्यू क्या है 30, तो ये क्या हो गया 1 + 10 30, 1 - 10 30, तो टेन 45 + 30 की मैंने वैल्यू लिख दी 1 + 10 30, 1 - 10 30, और यहाँ भी लिख दी टेन 45 + 30 की 1 + 10 30, और ये उल्टा है तो मैंने उल्टा कर दिया 1 - 10 30। अब मैंने LCM ले लिया 1 - 10 30, 1 + 10 30, ये क्या है a माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हर में हो गया और ऊपर मैंने LCM लेके सोल्व किया तो 1 + 10 30 का होल स्क्वायर, 1 + 10 30 का होल स्क्वायर और 1 - 10 30 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये 2 - 10 30 से 2 - 10 30 कैंसिल, ये हो गया 2 + 2 - 10² 30 अपॉन 1 - 10² 30। 10 30 की वैल्यू है 10 30 बराबर होता है 1/√3, वैल्यू रखी सोल्व किया तो मेरे पास आ गया 4, क्या आ गया आंसर 4। नेक्स्ट स्लाइड,
नियम सर्व समीकरणों को सिद्ध कीजिए। साइन 45 प्लस ए कोस 45 माइनस बी प्लस कोस 45 ए साइन 45 माइनस बी बराबर कोस ए माइनस बी। हमने LHS ले लिया, साइन 45 प्लस ए कोस 45 माइनस बी प्लस कोस 45 प्लस ए साइन 45 माइनस बी। अब LHS में मैंने 45 प्लस ए को क्या मान लिया, x, और 45 माइनस बी को क्या मान लिया, y। तो साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y, ये हो गया है व्यंजक का क्या हो गया, साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y। 45 प्लस ए को मान लिया x और 45 माइनस बी को मान लिया y। साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y, साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y, ये किसका फार्मूला है, साइन x प्लस y का, किसका फार्मूला है, साइन x प्लस y। अब वापस x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू क्या है 45 प्लस ए, और y की वैल्यू क्या है 45 माइनस बी। तो x प्लस 45 प्लस ए प्लस 45 माइनस बी, ये क्या हो गया 45 45 क्या हो गया 90, ए माइनस बी 90 प्लस ए माइनस बी। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा होता है कोस थीटा, तो साइन 90 प्लस ए माइनस बी क्या होगा, कोस ए माइनस बी, क्या होगा कोस ए माइनस, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, इसलिए साइन 90 प्लस ए माइनस बी बराबर क्या हो गया कोस ए माइनस बी। ठीक है, हम नेक्स्ट नियम सर्व समीकरणों को सिद्ध कीजिए। साइन स्क्वायर ए प्लस बी माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी बराबर साइन 2 ए साइन 2 बी। LHS ले लिया मैंने, साइन स्क्वायर ए ए प्लस बी माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी। LHS में मैंने ए प्लस बी को क्या रख दिया, x, और ए माइनस बी को क्या रख दिया, y। तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y, दोनों सेम है तो साइन वाला फार्मूला, तो ये हो गया साइन x प्लस y साइन x माइनस y। मैं पढ़ा चुका हूँ, उपयोगी पढ़ना है आपको, कि साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y क्या होगा, साइन x प्लस y साइन x माइनस y। अब x की वैल्यू वापस रख दो, a प्लस बी ए माइनस बी, y की वैल्यू, x की वैल्यू a प्लस बी और y की वैल्यू a माइनस बी, माइनस माइनस प्लस होके चेंज हो गया। अब इसमें b से b कैंसिल तो साइन 2a, और इसमें a से a कैंसिल तो साइन 2b इक्वल टू RHS, तो साइन 2a साइन 2b। ठीक है, केवल a प्लस बी को x लिखना है, a माइनस बी को y लिखना है, साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y का फार्मूला यूज में लेना है। अगला क्वेश्चन, कोस स्क्वायर 5/4 माइनस ए माइनस साइन स्क्वायर 5/4 माइनस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, ये हमें सिद्ध करना है। LHS ले लिया, कोस स्क्वायर 5/4 माइनस ए माइनस साइन स्क्वायर 5/4 माइनस बी। LHS में 5/4 माइनस ए को मैंने लिख दिया x, और 5/4 माइनस बी को मैंने लिख दिया y, तो ये क्या हो गया कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y, और इसके किसका फार्मूला है कोस वाला, तो ये कोस x प्लस y कोस x माइनस y, उपयोगी परिणाम मैं बता चुका हूँ, कोस एक्स प्लस वाई कोस एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब x की वैल्यू रख दो 5/4 माइनस ए, और y की वैल्यू 5/4 माइनस बी, ये मैंने 5/4 ए माइनस ए, या माइनस 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 प्लस हो गया, तो 5/4 प्लस ए 5/4 क्या हो गया 5/2, तो कोस 5/2 माइनस ए प्लस बी, और कोस ये क्या हो गया बी माइनस ए। कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो कोस 5/2 माइनस कोस 90 माइनस ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी, क्या हो गया साइन ए प्लस बी। ठीक है, और कोस माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो कोस बी माइनस ए लिख लो, आप चाहो तो कोस बी माइनस ए लिख दो, चाहे कोस ए माइनस बी लिख लो, एक ही चीज़ है, क्यों, कोस माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा, तो आपस में ऐसे चेंज कर सकते हैं। कोस 90 माइनस थीटा क्या हो गया साइन थीटा, तो ये हो गया साइन ए प्लस बी, और ये कोस बी माइनस ए जिसको मैंने लिख दिया कोस ए माइनस बी इक्वल टू RHS। अगला क्वेश्चन, 1 + tan 55° + tan 55° + tan 100° = tan 100°। तो मैंने LHS ले लिया, 1 + tan 55 + tan 55 × tan 100°। अब मैंने LHS में 1000 को चेंज कर दिया, 1000 को मैंने क्या लिख दिया 10 45 + 55, 100 को क्या लिख दिया मैंने 45 + 55, तो 1 + tan 55 ये अलग हो गया, +tan 55 कॉमन ले लिया, और 10 45 + 55। अब आपको मालूम है 10 45 + a क्या होता है, 10 45 + a होता है 1 + tan a 1 - tan a, या a की वैल्यू क्या है 55, तो ये हो गया 1 + tan 55 1 - tan 55 किसकी वैल्यू होगी 10 45 + 55 की, ये वैल्यू मैंने रख दी 10 45 + 55 की। अब मैंने 1 - tan 55 को क्या ले लिया LCM, LCM लेके मैंने सोल्व किया, तो सोल्व किया 1 - tan 55 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + tan 55 से, +tan 55 कॉमन है और 1 + tan 55। अब मैंने इनको a प्लस बी और a माइनस बी की तरह सोल्व किया, a प्लस बी a माइनस बी क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस
टेन पचपन को इससे वन से किया तो टेन पचपन, और टेन पचपन को टेन पचपन से किया तो टेन स्क्वायर पचपन, टेन स्क्वायर पचपन से टेन स्क्वायर पचपन कैंसिल, बच्चे का क्या ऊपर वन प्लस टेन पचपन वन माइनस टेन पचपन, ये किसका फार्मूला है, वापस टेन पैंतालीस प्लस पचपन का, और पैंतालीस प्लस पचपन यानी हंड्रेड, तो टेन हंड्रेड इक्वल टू आर एच एस। अगला क्वेश्चन, कोस पिचहत्तर की वैल्यू। देखो ये ए प्लस बी ए माइनस बी वाले जितने भी फार्मूले हैं